गाइस आज हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स टू बी ए बेटर लुकिंग मैन। कुछ ऐसी 5 टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप आज के बाद से ना काफी बेटर लुकिंग दिखने वाले हो, काफी हैंडसम दिखने वाले हो और आपसे मतलब बेहतर कोई दिख नहीं रहा होगा। तो इसको लास्ट देखते रहना, हम बिना किसी तरीके को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टे ग्रूम्ड एंड स्टाइलिश। मेक श्योर आपके जितने भी जो फेशियल हेयर है ना वो ग्रूम्ड होने चाहिए और प्लस वो स्टाइल होने चाहिए। अब स्टाइल से मेरा मतलब ये है कि आपकी जो बियर्ड वगैरह है ना वो मतलब एक प्रॉपर स्टाइल में होनी चाहिए। कैसे भी ऐसी आड़ी टेढ़ी करके मत रख लो, मतलब अगर आप बियर्ड रख रहे हो ना तो वो एक स्टाइल में होनी चाहिए, वो कैसी भी बियर्ड मत रख लेना। और प्लस यहाँ पर आपको जो अपने नेल्स है ना वो मेंटेन करके रखना है, वो गंदे और डर्टी नहीं होने चाहिए। और प्लस यहाँ पर आपके जो कपड़े हैं ना वो पूरे प्रॉपर आयरन होने चाहिए और उसमें बिल्कुल भी रिंकल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वो अच्छी तरह से प्रेस होने चाहिए और वो फिटेड और क्लीन होने चाहिए। दैट्स इट। नंबर सेकंड, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। अब यार आप में से ना बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे कि जो ना मतलब दोस्तों के सामने तो खूब बड़ी बड़ी बातें फैलते हैं, तेरा भाई ऐसे कर देगा, तेरा भाई वो कर देगा, तेरा भाई धुआं धुआं कर देगा, तेरा भाई इसकी फाड़ देगा, उसकी फाड़ देगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। तो बेसिकली जब दोस्तों के सामने तो बातें कर लेते हो, बट जब भी कोई सामने नया बंदा आता है, कोई स्ट्रेंज बंदा आता है या फिर जब किसी के सामने बैठ के कुछ बोलना होता है ना भाई, आपकी फटके चार हो जाती है। तो अगर आपके अंदर ये वाली चीज है तो यार इसको दूर करो। और यहाँ पर ना आपको जरूरत है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने में, क्योंकि यार जब भी मतलब ऐसे दोस्तों के सामने आप कुछ भी बोल लोगे क्योंकि आप उनसे बहुत टाइम से कनेक्टेड हो, बट कोई भी जैसे अजनबी बंदा आ रहा है, कोई स्ट्रेंज बंदा है या फिर आपको चार लोगों के सामने बैठ के ना अपनी बातों को एक्सप्लेन करना है, तो बंदे वो चीज जो है ना वो नहीं कर पाते। जस्ट वो होता इसलिए क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो यार आज से अपने कॉन्फिडेंट पे काम करो, अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड करो ताकि आप ना किसी के सामने कुछ भी ऐसे बेदरक होकर बोल पाओ, आप बिल्कुल भी नर्वस फील ना करो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो या फिर आप किसी मतलब ऐसी भाई सभा में बैठ के कहीं पे भी कुछ बोल रहे हो ना, तो वो आप कॉन्फिडेंट में बातें बोलो, आप नर्वस फील बिल्कुल मत करना। कॉन्फिडेंट में अच्छे बॉडी पोस्चर की प्रैक्टिस करो, प्लस आई कॉन्टैक्ट बनाना सीखो किसी से भी, जो कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को काफी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है और इससे आप इंस्टेंट हैंडसम दिखते हो। नंबर थर्ड, टेक केयर ऑफ योर स्किन। अब यहाँ पर ना एक अच्छी स्किन आपकी अपेयरेंस में ना चार चांद लगा देती है। तो एक सिंपल और नॉर्मल जो स्किन केयर है ना वो हर बंदे को फॉलो करना चाहिए, जैसे बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर। और ना आज के टाइम पे हर बंदे को पता है यार हमें ना अपनी स्किन की केयर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली यू नो गाइस की मतलब पिछले टाइम में ना मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन वगैरह ट्राई करी थी अपने फेस के लिए और सन से बचाने के लिए अपनी स्किन को, बट यार उसमें से जो ज्यादातर जो सनस्क्रीन वगैरह थी ना वो केमिकल बेस्ड थी और जो कि मतलब स्किन को प्रोटेक्ट करने की वजह ना वो काफी डैमेज कर रही थी और उसने मेरी स्किन को काफी खराब कर दिया था। बट जब से आयोगा की सनस्क्रीन आई है ना मतलब यार सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर आयोगा लेके आया है आपके लिए नेचुरल 2% चंदनम सनस्क्रीन विद एसपीएफ 50 PA++++, जो आपकी स्किन को UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्ट करता है, जो कि इसमें काफी अच्छी बात है। इसकी खास बात यह है कि यार ये ना आयुर्वेदिक है तो इसमें बिल्कुल भी कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होंगे। और बात करें अगर हम यहाँ पर इसके की इंग्रेडिएंट की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सैंडलवुड एंड टर्मरिक, जो आपकी टैनिंग रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है और मॉइस्चराइज भी रखता है। और बाकी जो सनस्क्रीन होती है ना वो आपकी स्किन पर व्हाइट कास्ट वगैरह छोड़ देती है, तो आयोगा की सनस्क्रीन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती। अगर हम बात करें इसके यूज की, तो जस्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है और थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना है सनस्क्रीन का और जेंटली उसको अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करना है और इसको हमेशा 6 आवर्स बाद रिन्यू करते रहना है। इसमें है चंदनम और हल्दी जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाते हैं और D10 में भी काफी हेल्प करता है, तो अगर आप इसको बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर ना बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे सनस्क्रीन वगैरह आप लगा लेते हो, जब नहा के आते हो सनस्क्रीन आपने लगा ली, तो उसके बाद में सनस्क्रीन लगाने के बाद भी हमारा जो फेस है ना वो काफी ऐसा ड्राई सा दिखाई देता है, तो उसके लिए अगर आप यूज करना चाहो मॉइस्चराइजर तो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपके लिए बेस्ट होगा आयोगा का 5% चंद्रम लाइट फेस मॉइस्चराइजर, जो आपकी स्किन को काफी मॉइस्चराइज रखेगा। इसमें अगर हम बात करें की इंग्रेडिएंट की, इसमें आपको मिल जाता है सैंडलवुड एंड टर्मरिक, जो आपकी टैनिंग को रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइट भी बनाएगा और ये आपकी स्किन को ना डीपली मॉइस्चराइज भी करेगा। अब अगर हम बात करें आयोगा ब्रांड की, तो यार आयोगा इज एन आयुर्वेदा ब्रांड डेट इज रिविविंग एज ओल्ड रेसिपीज इन मॉडर्न स्किन केयर फॉर्मेट। जो प्रोडक्ट सिर्फ आपको पहले ऑयल और पाउडर के फॉर्म में मिलते थे वो अब आपको इजी टू यूज फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जैसे सीरम, नाइट जेल और मॉइस्चराइजर। आयोगा इज पीटा अप्रूव्ड एंड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड एंड ब्रांड ऑनेस्टली डिस्क्लोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट इन देयर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल 10% कुमकुम आदि नाइट जेल। बाय करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जल्दी जाके आप बाय करो और डिस्काउंट के लिए अपने भाई को कूपन कोड यूज करो साइल 24 20% डिस्काउंट ऑन ayoga.in। और आप इनके जो प्रोडक्ट है ना वो बाय कर सकते हो अमेजोन पे, नाइका पे और फ्लिपकार्ट पे, बट जो कूपन कोड है वो ओनली सिर्फ वर्क करेगा ayoga.in पे। तो जल्दी जाओ बाय करो और अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ। नंबर फोर्थ, फुटवेयर।
अब यार यहाँ पर बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो अपने फुटवेयर में यार चेंजेस ही नहीं करते। जैसे अगर उन्होंने एक स्नीकर खरीद लिया कुछ 4-5 साल पहले, तो वो आज भी स्नीकर ही घिस रहे हैं, या फिर उन्होंने चेल्सी बूट्स खरीदे थे तो वो आज भी वो चेल्सी बूट ही पहन रहे हैं। मतलब अगर उनको कोई एक शूज वगैरह पसंद आ गए तो वो सालों साल उसी शूज को घिसते रहते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती करते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहो। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब आपके ऊपर कौन सा जो चीज़ है वो अच्छी लग रही है और आप कैसे अच्छे लग रहे हो। और अगर आपके पास स्नीकर अच्छे लग रहे हैं तो ऐसा मत करो कि मतलब हमेशा स्नीकर ही पहन रहे हो, कहीं पर भी आ जा रहे हो तो सिर्फ स्नीकर ही पहन रहे हो। थोड़े से आप बूट्स भी ट्राई करो या फिर अलग अलग जो शूज आते हैं वो भी आप ट्राई करो, और जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपके ऊपर क्या क्या अच्छा लग रहा है। और ना अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। और अगर आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हो या फिर नए नए एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो तो इससे आपकी जो पर्सनैलिटी वो काफ़ी इंप्रूव होती है और आप पहले से ज़्यादा दिखने में अच्छे लगते हो। दैट्स इट। नंबर 5, हाइजीन। अब यहाँ पर आपको अपने हाइजीन पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आप खुद पूछो अपने आप से कि मतलब आप कभी भी किसी अट्रैक्टिव बंदे को देखते हो, मतलब जिसको देख के ना आपको यूँ लगता है कि यार ये जो बंदा है वो कितना हॉट है, कितना सेक्सी है, काश मैं भी इसकी तरह होता। मतलब जिस भी आप ऐसे बंदे को देखते हो तो आपने कभी भी ऐसा देखा कि यार उसके अंदर से बैड स्मेल आ रही है, या फिर उसके जो नेल्स हैं वो गंदे हैं, या फिर वो अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा कभी भी आपने नहीं देखा होगा। दैट्स वाई कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो अपने हाइजीन पर काफ़ी ध्यान देते हैं, वो अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आपके मतलब अंदर से ना बैड स्मेल ना आ रही हो, या फिर आपके मुँह से बैड स्मेल वगैरह ना आ रही हो। आप माउथ फ्रेशनर वगैरह यूज़ करो, प्लस आपकी जो नेल्स है वो डर्टी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए, और प्लस जितना हो सके ना अपनी हाइजीन पर ध्यान दो, जिससे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो इंस्टेंट काफ़ी अप्रूव हो जाती है और आप एक बेटर लुकिंग मैन दिखाई देते हो। दैट्स इट। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, या फिर अगर आपको वीडियो कुछ भी आपको नया सीखने मिला है तो वीडियो को भी लाइक करना, और अगर आप नए मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना, और इंस्टाग्राम फॉलो करना, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो बस हमने उस एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक लिए पीस आउट।